नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली को चमकाया जा रहा है, जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो लोग जानना चाहते हैं, जो दिल्ली की खास करके जनता है, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र सिंह यादव सर। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या कंफ्यूजन है और कुछ सवालों के जवाब। सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन की ना कोई आवश्यकता है और ना इस तरह की कोई स्थिति है। G20 जो शिखर सम्मेलन है, पूरे राष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए गर्व का विषय है और हम सभी इस इंतजाम को अच्छे ढंग से अंजाम देंगे। रही बात जो भ्रांतियाँ या जिज्ञासाएँ जो हैं कि कहीं कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति हो या कहीं सब कुछ बंद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जो अभी जारी करी है 25 अगस्त को, और उसके बाद से काफ़ी विज्ञापन और जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, उसके जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उसमें जो है, पहली बात तो यह है कि एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से चलेंगी, चाहे वो मेडिकल सेवाएं हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रॉसरी स्टोर हो, राशन की दुकानें हो, मिल्क बूथ्स हो, ये सभी खुले रहेंगे जैसे पहले खुलते आए हैं। नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट या NDMC का जो एरिया है, उसमें कुछ सेवाओं पर नियंत्रण रहेगा, पर ये जो एसेंशियल सेवाएं हैं सभी चलती रहेंगी। और 7 तारीख रात से हम जो दिल्ली में जो हैवी गुड्स व्हीकल है, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दौरान भी करते हैं, उसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं, उनका प्रवेश हम लोग बंद कर देंगे। पर इसके साथ साथ इसमें एक बात यह है कि अगर जो ट्रक्स जो एसेंशियल गुड्स लेकर आ रहे हैं, सब्जी लेकर आ रहे हैं, राशन का सामान लेकर आ रहे हैं और उनके पास नो एंट्री परमिशंस वगैरह हैं, उनको जो है दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अब आते हैं नई दिल्ली पर। नई दिल्ली को हम लोगों ने कंट्रोल जोन बनाया है। उस कंट्रोल जोन के अंदर क्या है कि जो सिटी बस सर्विसेज हैं और ISBT जो क्रॉस करती थी नई दिल्ली के अंदर, या सी हेक्सागन से इंडिया गेट से क्रॉस करती थी, वो जो है नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं पर ही उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं। उस बारे में हमने जो है डिटेल में एडवाइजरी जारी करी है। इंटर स्टेट बस सर्विसेज सामान्य रूप से चलेंगी, जैसे पहले सराय कालेखा, ISBT, आनंद विहार जो बस डिपो है वहाँ पर आएंगी। सिर्फ इसमें एक हल्का सा बदलाव यह है कि हरियाणा साइड से और राजस्थान साइड से जो गुड़गांवा होकर जो ISBT बसें आती हैं या सिटी बस सर्विसेज हैं, वो गुड़गांवा पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है, वो राजीव चौक या इफ्को चौक से वो MG रोड पर डाइवर्ट कर दी जाएंगी, वो NH 48 और धोलाकुआ की साइड में नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ मेट्रो की सेवाएं पूरी तरह से चलती रहेंगी, मेट्रो सेवाएं कहीं पर भी प्रभावित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो प्रभावित रहेगा, उसके अलावा बाकी सारी जो सेवाएं हैं मेट्रो की, तो इसलिए मेरी ये अपील है कि मेट्रो की सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप नई दिल्ली आना चाहते हैं, NDMC के एरिया में आना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है RML या प्राइमस, तो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कीजिए। अब आती है चिकित्सा सेवाओं की। एम्बुलेंस कहीं पर भी प्रभावित नहीं होंगी, हमने एक स्पेशल एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम बनाया है, एक डेडिकेटेड नंबर है। 20 जो मुख्य जंक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस के फैसिलिटेशन के लिए, उनके कॉरिडोर के लिए स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ के साथ 10 जगह मोटरसाइकिल्स भी जो है, अगर एम्बुलेंस को कहीं कोई स्पेशल कॉरिडोर देना है तो हम देने का प्रयास उनका करेंगे। ये बिना किसी बाधा या रोक टोक के चिकित्सा सेवाएं और एम्बुलेंस और कोई पेशेंट को लेकर जा रहे हैं उनके मूवमेंट के लिए जो है इंतजाम किया गया है। सर, इसकी तारीख कौन सी होंगी और कौन सा स्थान है इसका? बिल्कुल, 7 जो तारीख जो है मुख्य जो सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, नई दिल्ली में प्रगति मैदान वेन्यू है जहाँ पर जो है G20 शिखर सम्मेलन होगा। सर, इस दौरान अगर सुरक्षा संबंधित क्या क्या लिए गए हैं, कोई संदिग्ध गतिविधि अगर होती है तो पुलिस की ओर से क्या इसमें? देखिए, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही व्यापक इंतजाम यातायात के, सुरक्षा के,
किए हैं। इसमें विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है, उनके साथ मिलकर इन इंतजामों को अंजाम दिया जाएगा। सर, इस दौरान अगर किसी जनता को कुछ ऐसी गतिविधियां दिखती हैं जो लगता है संदिग्ध हैं, तो वो कैसे दिल्ली पुलिस तक इन्फॉर्म करेगी? बिल्कुल, ERSS नंबर है 112, पूरे देश में ये नंबर है, और हमारा जो कंट्रोल रूम है 112, इस पर आप सूचित कीजिए और इस बारे में जानकारी दीजिए। सर, जैसे नॉर्मल तौर पे जैसे बसें, ऑटो रिक्शा ये सब चलते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे दिल्ली? बिल्कुल, बसें, ऑटो रिक्शा नॉर्मल तौर पर चलते रहेंगे। सिर्फ नई दिल्ली के अंदर इनका कंट्रोल रहेगा, नई दिल्ली के अंदर ये प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी की होटल में बुकिंग है, या अगर वो उसकी होटल में बुकिंग है, उसके पास वैलिड बुकिंग जो कार्ड है, या कोई एयरपोर्ट से नई दिल्ली आ रहे हैं टैक्सी या ऑटो से, उनके पास उनका बोर्डिंग पास है उसी दिन का, और वो नई दिल्ली में रहते हैं, तो उनको जो है आने दिया जाएगा। नई दिल्ली के लोग हैं, मान लीजिए प्रेस बंधु हैं, इसेंशियल सेवाओं में जो NDMC, MCD, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, उनके पास कार्ड है, उनको आने दिया जाएगा। जो भी वाहन जो इसेंशियल सेवाओं में लगे हुए हैं, सरकारी एजेंसीज़ के, सिविक एजेंसीज़ के, उनको आने दिया जाएगा। उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिस वक्त सुरक्षा चेक में यातायात कर्मी अगर पूछे तो वो दिखाएं, उनको बिना किसी बाधा के आने दिया जाएगा। हाँ, ये है कि जब रूट्स चल रहे होंगे उस दौरान जो आप नॉर्मल जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो रोका जाएगा, बिल्कुल उस वक्त रोका जाएगा। सर, लोगों का एक ये सवाल ज़्यादा है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या केवल नई दिल्ली को छोड़ के बाकी कहीं पर भी कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा ना, ऐसी कोई स्थिति है? इवन नई दिल्ली में भी नहीं है। आप नई दिल्ली में आना चाहते हैं तो आप मेट्रो लीजिए, मेट्रो से आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर नई दिल्ली के उतरिए, आपकी डेस्टिनेशन है, आपको कोई काम है, अनावश्यक रूप से आने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी क्योंकि सुरक्षा चेक्स रहेंगे। सर, कोई इसके लिए पास वगैरह कुछ नहीं? कोई पास की आवश्यकता नहीं है, आपके पास आइडेंटिटी होना चाहिए। आप नई दिल्ली में मेट्रो से आ रहे हैं तो आपकी जो सुरक्षा जांच है वो होगी, आप आइए। बिल्कुल। अच्छा सर, इस दौरान नई दिल्ली में अगर कोई सम्मेलन में आना चाहे, कोई आम नागरिक आ सकता है क्या? नहीं, देखिए वहाँ पर ऑथोराइज्ड एक्सेस है, जिनकी ऑथोराइज्ड एक्सेस है, जो इन्वाइट है, वही लोग आ पाएंगे। तो इस बारे में ऐसी कोई जिज्ञासा, जहाँ पर आप हैं वहीं पर ही G20 शिखर सम्मेलन की जो भावना है, पूरे राष्ट्र की जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, वहाँ पर आप अपने जिस एरिया में हैं, और आपने पिछले साल भर में देखा होगा कि हर एक राज्य की राजधानी में, इवन गांवों तक जो है, युवाओं तक जो G20 शिखर सम्मेलन की भावना का प्रचार प्रसार किया है, सभी लोगों ने भागीदारी करी है। तो अभी जो है वो ऑथोराइज्ड एक्सेस रहेगी वहाँ पर। सर, अगर कोई व्यक्ति जैसे जिसे दिल्ली से जाना है, नई दिल्ली से जाना है, और कोई नई दिल्ली से आ रहा है इसी तारीख के दौरान, क्या उसके लिए कोई विशेष? नहीं, बिल्कुल आप आइए। अगर आप नई दिल्ली से जा रहे हैं, आप नई दिल्ली के रहने वाले हैं, आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, सुरक्षा जांच कर्मी अगर पूछते हैं आप बता दीजिए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। आपको एयरपोर्ट जाना है नई दिल्ली से, मेरी ये गुजारिश है, दोबारा मैं कहूँगा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, आप मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक पहुँचिए, धौलाकुआ या नई दिल्ली स्टेशन पहुँचिए मेट्रो से, और वहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह से आप रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भी चलते रहेंगे सामान्य रूप से, और उसमें जो नई दिल्ली के बाहर का जो एरिया है, देखिए हमने एक वर्चुअल हेल्प डेस्क दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर बनाया है, जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई। अगर आप सीमापुरी से वसंत विहार जाना चाहते हैं, आप डिफेंस कॉलोनी से पहाड़गंज जाना चाहते हैं, आप पलवल से नजफगढ़ जाना चाहते हैं, उसमें विस्तार से आपको रूट्स बताए गए हैं। साथ के साथ जो मैपिंग ऐप्स है, जैसे एक मैपल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको जितनी हमारी अगर उस दौरान में 9 और 10 तारीख को और 8 तारीख को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इंक्लूड करते हुए आपको अल्टरनेटिव रूट, चाहे आप गाड़ी से जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, आप जिस भी वाहन से जाना चाहते हैं, जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस है उनको साइड में करते हुए वो आपको एक बेस्ट पॉसिबल रूट देंगे। तो ये सोचना कि दिल्ली में कहीं किसी चीज़ पर प्रतिबंध होगा, ये भी गलत है। जब जब जहाँ जहाँ पर सम्मेलन है नई दिल्ली के आसपास के एरिया है, वहाँ पर कुछ कंट्रोल रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, जो हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त में भी रहते आए हैं। ये सोचना कि आवश्यक सेवाएं, दुकानें बंद हो जाएंगी या ये सब नहीं होगा, आवश्यक सेवाएं हमेशा चलती रहेंगी। सिर्फ नई दिल्ली के एरिया के अंदर जो कुछ मार्केट्स हैं
और कुछ मॉल से वो बंद होंगे जैसे चाणक्यपुरी के एरिया में हैं या कनॉट प्लेस के एरिया में हैं या खान मार्केट के एरिया में। नई दिल्ली के एरिया से बाहर जितने भी मॉल्स हैं, चाहे वो वसंत कुंज में हो, चाहे वो साकेत में हो, चाहे वो सुभाष नगर में हो, पूर्वी दिल्ली, वो सब खुले रहेंगे। राजकीय अवकाश की घोषणा करी गई है, तो कार्यालय जो हैं और जो स्कूल्स कॉलेज उनकी छुट्टी है। वो इसी भावना से है कि आप जो है G20 शिखर सम्मेलन की भावना को एक त्यौहार की तरह बनाएं। सर, यहाँ पे इंडिया गेट और राजघाट आ सकते हैं इस दौरान लोग? देखिए, मैंने कहा कि जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन से राजघाट पर भी मूवमेंट रहेगा, इंडिया गेट के आसपास से भी मूवमेंट रहेगा, तो जो सुरक्षा के जो नियम है, जो रिस्ट्रिक्शंस रहती है, वो रहेंगी। तो इसलिए ये सोचे कि घूमने फिरने टहलने के लिए उस दौरान जब सुरक्षा के जाँच हो रही होगी और सुरक्षा की रिस्ट्रिक्शन से, वो पहले भी आपको पता है 15 अगस्त 26 जनवरी के दौरान भी वहाँ पर हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लागू करते हैं, तो उसी तरह से हैं। सर, आपने बताया कि अगर किसी को बाहर जाना है, कोई बाहर से आ रहा है नई दिल्ली, तो मेट्रो से उपयोग करे, लेकिन अगर कोई अपने निजी वाहन से जा रहा है तो कोई पास वगैरह परमिशन? आपके पास निजी वाहन है, आप नई दिल्ली में रहने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। उसमें भी आपको अल्टरनेटिव रूट्स मैपिंग एप्स पर आ जाएंगे और एडवाइजरी में हैं। सर, क्या 144 जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है? जो भी कानूनन जो 144 की धाराएं जिन विषयों पर लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी, जैसे ड्रोन्स वगैरह के बारे में लगाई गई है। कोई भी सर नई दिल्ली में ऑफिस आ सकता है या नहीं? ऑफिस की छुट्टी ऑलरेडी घोषणा करी जा चुकी है, तो जो कार्यालय है, निजी कार्यालय और राजकीय कार्यालय, उनमें घोषणा करी जा चुकी है। तो अगर आपका गंतव्य है, आपका पर्पज है, उद्देश्य है, आप G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित किसी कार्य में संबंधित, तो बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें मैं कहूंगा कि मेट्रो सेवा का ज्यादा उपयोग कीजिए। इसके अलावा किसी एसेंशियल चीज से जुड़े हुए हैं तो? आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, आप उसमें आइए। उसमें भी मैं यही कहूंगा कि जहां तक संभव हो सहयोग कीजिए और मेट्रो सेवा का उपयोग कीजिए। सर, इसके अलावा कोई और ऐसा विशेष दिशा निर्देश जो आप दिल्ली की जनता को खास करके देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है, पूरी दिल्ली के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। तो हमें सभी मिलजुल कर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा विभाग है, पुलिस के साथ सहयोग कीजिए और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट को देखिए। वहाँ पर G20 की जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको डिटेल में समझिए। अगर 8, 9, 10 को आपको कुछ काम है तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी और यात्रा को प्लान कर लीजिए। एडवांस में टाइम रखिए, आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो एडवांस में टाइम रखिए, रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप एडवांस में टाइम रखिए। सर, इसके थोड़ा तारीखों का भी थोड़ा ये है कि 8, 9, 10 है या 9, 10 है? बिल्कुल 9, 10 को शिखर सम्मेलन है। 7 तारीख रात से हम लोगों की रिस्ट्रिक्शंस हम लागू करना शुरू करेंगे और 8 तारीख को सुबह से जब विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आना शुरू हो जाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा जो हैं रूट्स पर लागू हो जाएंगी। तो 8 को काफ़ी ज़्यादा आवागमन रहेगा पूरे दिन भर और लेट नाइट तक आवागमन रहेगा। तो उस दौरान में जो रिस्ट्रिक्शंस खासतौर पर एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक रहेंगी 8 तारीख को, तो उस दौरान में अपनी जर्नी उसी हिसाब से प्लान करें। ट्रैफिक एडवाइजरी में बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई है। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब जो सर ने अभी दिए, जो और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा जनता को कि जो भी आपके सवाल थे वो सारे इनमें दूर हो गए होंगे। केवल नई दिल्ली को छोड़ के और भी कोई ऐसा इलाका यहाँ नहीं है दिल्ली में जिस पर प्रतिबंध लगाया हो, जो कुछ ना खुले और आप ऑफिस आराम से आ जा सकते हैं अगर नई दिल्ली में हैं, और अगर आप सरकारी विभागों से जुड़े हैं या फिर कोई ज़रूरी चीज़ से जुड़े हैं तो इस पर भी आप आ सकते हैं। कोई प्रतिबंध जैसी स्थिति नहीं है, कोई लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा है, केवल कुछ जगहों पर थोड़ा रूट डाइवर्जन है, थोड़ा उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप किसी सहायता की ज़रूरत है या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी काम है, तो उसके लिए भी आप बेधड़क जा सकते हैं। केवल आपको कुछ अगर जो रूट ऐसे हैं जहां पर परमिशन की ज़रूरत होगी, जहां पर आपको बताना होगा। शुक्रिया।